गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स रास्ते में आपको दिखाएंगे कौन कौन सी टनल्स ओपन है, कौन कौन सी बंद है, नजर आ रही आगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक और नई रोड दिखा दी है, क्यों कर रहे हैं बिलासपुर वाली रोड से बचे। तो फ्रेंड्स लेफ्ट मनाली और राइट यहाँ से जाती है शिमला। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक मैं व्यू दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली हम टनल से अब निकलेंगे, ये है टनल नंबर 4, टनल नंबर 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी कुछ टनल्स हैं जिन टनल्स पे अभी काम चल रहा है, टनल 11 है। फ्रेंड्स जैसे ही टनल नंबर 11 खत्म होती है वैसे ही ये टनल नंबर 12 स्टार्ट होगी है। टनल नंबर 12 के बाद टनल नंबर 13, फ्रेंड्स उसके बाद एक और टनल आ गई है। ये टनल तो बहुत पुरानी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं कुल्लू मनाली और ये एक फैमिली ट्रिप है और दिन की शुरुआत भगवान साईं के नाम ओम साईं राम। तो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं गगन जी, मायरा भाभी जी, ये निशा है और ये तो रियांश भाई है, ये तो पता ही है निशमन है। तो फ्रेंड्स अभी रास्ते में रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, अब निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स रास्ते में आपको दिखाएंगे कौन कौन सी टनल्स ओपन है, कौन कौन सी बंद है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग कीरतपुर साहब। फ्रेंड्स सुवार घाट के पास जो हिमाचल की एंट्री आती है उस एंट्री को क्रॉस हमने कर लिया है और अब हम फर्स्ट टनल के पास पहुंचने वाले हैं। तो अभी ये देखना है कि जो फर्स्ट टनल है वो अभी ओपन है या नहीं है। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट टनल है वो टनल बंद है और आगे से एक रास्ता है फ्रेंड्स वहाँ से मुड़ते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें, एक शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट मीन्स एक टनल की तरफ जाने के लिए एक अलग से रास्ता है। अदरवाइज आपको अगर आप इसी रोड को फॉलो करोगे तो पूरा आपको बिलासपुर रोड वाली रोड से जाना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक रास्ता फ्रेंड जहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे। फ्रेंड्स अभी हम बिलासपुर वाली रोड पर ही आ गए हैं जो पुराना रास्ता है। तो फर्स्ट टनल बंद होने के कारण अब हमें इसी रास्ते से जाना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी एक ऑप्शन है फ्रेंड, वो रास्ता बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन वो भी रास्ता अभी ओपन है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो रास्ता कहाँ से हमने लेफ्ट टर्न लेना है और वहाँ से कंफर्म कर लेंगे कि आगे ये टनल की तरफ से ही हम जाएंगे या कहीं और से हमें जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ फ्रेंड्स आप जब भी आएंगे तो कंफर्म कर ही जाना, ये ना हो कि आप निकल जाएं और पता चला कि आगे टनल के कारण वो रास्ता बंद है, देन आपको अगेन वहाँ से वापस आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ से एक लेफ्ट मोड़ नीचे जाता है, लेट्स सी चेक करते हैं कि ये रास्ता खुला है नहीं खुला। सर लेफ्ट जा सकते हैं सर, लेफ्ट लेफ्ट इधर बंद है। तो फ्रेंड वैसे तो ये एक लेफ्ट रास्ता जाता था लेकिन ये बंद किया हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए क्योंकि कुछ टाइम पहले तो ये खुली थी टनल्स तो अब बंद है। तो एज सच अगर मैं कहूँ तो अभी भी टनल्स का काम चल रहा है, तो अब हमें वही फर्स्ट फर्स्ट की जाना पड़ेगा, मीन्स फर्स्ट फर्स्ट के ही बिलासपुर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी ये ट्रकों वाली रोड को क्रॉस करके हम पक गए थे, तो यहाँ पे एक लोकल से कंफर्म किया है कि आप यहाँ से नीचे चले जाएं। तो ये रास्ता है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कलर, तो यहाँ से रास्ता फ्रेंड नीचे जा रहा है। ये कुछ 1.5 किलोमीटर का पैच है, ये थोड़ा कच्चा है, उसके बाद में वो कह रहे हैं कि 4 लेन स्टार्ट हो जाएगी मक्खन वाली रोड। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने अभी आपको रास्ता बताया कलर वाला जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, तो आपको इसी रोड से लेफ्ट आप रोड नीचे ले लीजिएगा फ्रेंड। तो एक तो वो जो पहले वाली रोड थी फ्रेंड वो तो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे तो वहाँ पे तो हम जा नहीं पाए, अदरवाइज वहाँ पे भी नियर अबाउट वो कह रहे थे कि आप 2-3 टनल्स तो पीछे ही आ जाती हैं, आप आगे आगे 4 लेन स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स ये जो रश वाला एरिया था ट्रकों वाला एरिया था इससे बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल यहाँ से नीचे हम उतर आए हैं,
और अब हमने जाना है यहाँ से राइट और यहाँ से स्टार्ट होगी हम मक्खन वाली रोड। नजारी आ गई तो सीधा हम आगे हैं पट्टा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक और नई रोड दिखा दी है। शुगर है बिलासपुर वाली रोड से बचे। तो फ्रेंड्स लेफ्ट मनाली और राइट यहाँ से जाती है शिमला। तो फ्रेंड्स यहाँ से शिमला 83 चंडीगढ़ 103 राइट साइड से। लेकिन मैंने आपको एक और रास्ता दिखा दिया है, अगर आपको फोर लेन में आना है तो आप इस रास्ते को भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक मैं व्यू दिखाता हूँ। तो इसके बाद मेरे ख्याल से फ्रेंड्स अभी आप टर्नल्स आएंगी तो आपको आगे वाली टर्नल्स दिखा देते हैं। पीछे वाली तो खैर फ्रेंड्स नहीं दिखा पाए क्योंकि रास्ता बंद था। तो फ्रेंड्स फाइनली हम टर्नल से अब निकलेंगे। ये है टर्नल नंबर 4। सो मींस 1, 2, 3 नंबर क्लोज्ड है, कभी ओपन हो जाती है कभी बंद हो जाती है, तो अभी इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता। तो फ्रेंड्स हमने टर्नल नंबर 4 आपको दिखाई है और ये टर्नल नंबर 4 से हम बाहर आ गए हैं। अब इसके बाद देखेंगे और कितनी टर्नल्स आती हैं। तो ये है टर्नल नंबर 5। तो फ्रेंड्स टर्नल नंबर 5 से भी बाहर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स टर्नल नंबर 5 के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम खाएंगे मंडियाली धाम। मैंने तो पहले खाई है बट बच्चे फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स व्यू देख लीजिए, सुंदरनगर से खाई थी हमने मंडियाली धाम और बहुत ही अच्छी थी, बच्चों को नहीं पसंद आई थी तो बच्चों को खिलाई, फिर उसके बदले आइसक्रीम वगैरह तो सेट कर दिए हैं बच्चे अब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी कुछ टर्नल्स हैं जिन टर्नल्स पे अभी काम चल रहा है, ये भी एक टर्नल है। तो फ्रेंड्स अभी हम इस टर्नल के अंदर से जाएंगे। तो फ्रेंड्स मंडी के बाद ये टर्नल्स आ जाती हैं जो अभी ओपन है, टर्नल 11 है। फ्रेंड्स हमने आपको मॉर्निंग में दिखाई थी टनल 4, 5 और ये है 11। तो अभी बाकी की बंद है, काम चल रहा है उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स जैसे ही टनल नंबर 11 खत्म होती है वैसे ही ये टनल नंबर 12 स्टार्ट होगी है। फ्रेंड्स यहां से टनल खत्म। तो फ्रेंड्स टनल नंबर 12 के बाद टनल नंबर 13। तो फ्रेंड्स टनल नंबर 13 भी यहां पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स उसके बाद एक और टनल आ गई है, ये टनल तो बहुत पुरानी है। फ्रेंड्स ये टनल भी खत्म हो गई है, काफी लंबी टनल थी ये। फ्रेंड्स फोर लेन के लिए कहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना है उससे रिलेटेड आपको हमने पूरी डिटेल्स दे दी है ताकि आप बिलासपुर वाले ट्रैफिक से बच जाएं और फोर लेन में आ जाएं। रास्ते में आई अच्छी अच्छी जगहों को हमने ड्रोन व्यू से भी दिखाया है। रास्ते में आने वाली सभी टनल्स के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया है, कौन सी टनल ओपन है अभी भी, किस पे काम चल रहा है, तो ये सारी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है सो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल सो दैट आपको हमारी आगे की आने वाली वीडियो टाइमली मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग निशमन गर्चा एंटरटेनमेंट।